बाबा हाँ जी, जितने जी मुद्दे हो जाएंगे कर्मा की व्यवस्था उनको पा जाएंगे। हाँ, 4.5 लाख आत्माओं की आत्मा के लिए लागू होती है ये बात। ठीक है, ठीक बात है। हाँ, पूछना क्या है? हमारे 4.5 लाख हाथ में जीते जी मुर्दा नहीं बन पाएंगे। 4.5 लाख? हाँ हाँ, अरे इच्छा मात्र अविद्या हो जाए तो मुर्दे में और जीते जी मरने वालों में क्या फर्क रहा? पाना फांसो पा लिया, पाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। बाबा जी, और बाबा जी, बाबा कहते हैं रोज रेगुलर मुरली सुननी चाहिए। जो बच्चे ऐसा करते नहीं है उनको स्थूल पेट का भोजन भी रेगुलर नहीं करना चाहिए। है? हाँ, दो टाइम का क्या रोज नहीं खाए तो भी अच्छा है। हाँ, ठीक बात है। आपका विचार क्या है बाबा? ठीक बात तो है, हमारा भी यही विचार है, है? देह को भोजन क्यों देना जब आत्मा का भोजन नहीं मिला? आत्मा का भोजन जरूरी या देह का भोजन जरूरी? इस संगम युग में अभी हम संगम में हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में है, है? ज्यादा महत्व कौन से युग का है? संगम युग का महत्व है। तो संगम युग में हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आत्मा के ऊपर है या देह के ऊपर है? चलो नहीं भी है तो भी हम चाह, हमारी चाहना क्या है, है? मान लो किसी का आत्मा के ऊपर अटेंशन नहीं भी है तो भी आत्मा की चाहना क्या है? चाहना तो यही है कि हमारा हर समय आत्म की स्थिति में एक एक सेकंड गुजरे, या चाहना है या नहीं है? है तो फिर ये दृढ़ता बांध लेनी चाहिए। क्या क्या दृढ़ता? मुरली नहीं सुनी, खाना नहीं खाने। हाँ, अगर मुरली नहीं सुनी है, है? मुरली तो भोजन नहीं है, मुरली तो पानी है। क्या है? पेय है। मुरली जो है वो याद के भोजन को पचाने वाली चीज है। क्या याद का भोजन है ना? जो याद हम करते हैं उस शक्ति को पचाने के लिए हमें मुरली चाहिए। दुनिया में कहते हैं जल ही जीवन है। क्या जैसे मछली के लिए क्या कहते हैं? हाँ, जल ही मछली का जीवन है। जल में है तो जिंदा है, और जल नहीं है, बिना जल के मछली है तो क्या हो जाएगी? मृतवत, मृतपाय पड़ी रहती है। तो ऐसे ही अब संगम युग में हम किसके बच्चे हैं? ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर में पड़े रहते हैं। किसकी गोद में पड़े हैं? ज्ञान सागर बाप की गोद में पड़े हैं। तो हम बच्चे पानी अगर नहीं पीते हैं, माने मुरली नहीं सुनते हैं, तो जैसे कि हमने जीवन धारण ही नहीं किया। तो अच्छी बात है, एक बार के लिए खाना भी छोड़ दें, क्योंकि देहभान ज्यादा है। जब लोग ज्यादा क्रोध में आते हैं तो क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं, तो दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है। दिमाग में खाना खाने से गर्मी चढ़ती है
या पानी पीने से गर्मी चढ़ती है? भोजन खाने से गर्मी चढ़ती है। कोई को ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई हो, दो चार रोज खाना न खाए तो वो गर्मी क्या होगा? गर्मी शांत शांत हो जाती है। तो हम भी ऐसे ही करें, क्या करें कि अगर मुरली नहीं सुनी है तो फिर शरीर का भोजन भी बंद कर। और बाबा, तो काली कलर पार्टी में जो गया है, एक आदमी बोलो बाबा, तो वो अगर आपने से बात करते हैं तो अभी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हैं, पिछले पार्टी में जो गया है और वो मिलकर हनुमान से बात करते हैं तो करना चाहिए बात का, नहीं करना चाहिए? आदमी आदमी से बात नहीं करेगा तो जानवरों से बात करेगा क्या? हैं, भाई बोलते हैं कि भाई मुरली में वो आते नहीं है, उससे बात करते हैं तो बात मत करो। ये क्या बात हुई? भाई बोलते हैं आपसे बात करते हैं तो बात करो, बात का जवाब बात से ही देना है ना, कि तलवार से देना है कि गूंगा बन के देना है? तो बात करते हैं तो बात का ऐसा तीखा जवाब दो कि उन्हें दूसरा जवाब आए नहीं, शर्मसार हो जाए। ये आपके बोलने वाले भाई को बच्चा बुद्धि समझना चाहिए है? भाई के लिए बहुत बात मत करो, जवाब मत दो, बच्चा बुद्धि समझना चाहिए। अब ये तो आपको मिले होंगे, हमें तो कोई ऐसे मिले नहीं। बच्चे मिलते हैं तो बच्चे तो महात्मा होते हैं, महात्माओं को देखने से बुद्धि और मन बुद्धि और आंखें शुद्ध होंगी या अशुद्ध होंगी? है, बच्चों को देखने से, बच्चों के नजदीक आने से मन बुद्धि रूपी आत्मा अच्छा असर पड़ता है या खराब असर पड़ता है? अच्छा असर पड़ता है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली में बोलते ब्रह्मा और विष्णु दो ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं, है? ब्रह्मा और विष्णु दो ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं, है? तो विष्णु कैसे बाबा? क्यों विष्णु निरुत्पत्ति कला में नहीं जाता है? विष्णु जो है वो उत्पत्ति कला में जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, संपूर्ण अवस्था तो है, लेकिन दिन प्रतिदिन उत्तरती कला में जाएगा या चढ़ती कला में जाएगा? उत्तरती कला में जाएगा। बाबा बाबा कहते हैं काली कलोटी बैंगन लोटी। हाँ, काली कलोटी तो समझ में आता है बाबा, लेकिन लोटी क्या और बैंगन क्या? बैंगन उसको कहते हैं, बैंगन जिसमें कोई गुण नहीं। जब शादी करते हैं तो गुणवान को ढूंढते हैं या बेगुण को ढूंढते हैं? हैं, गुणवान को ढूंढते हैं। अगर गुणवान ने नहीं लूटा और बेगुण आकर के लूट ले जाए तो अच्छी बात है या खराब बात है? हैं, खराब बात है, तो ये इसीलिए बोला। और लोटी क्या है बाबा? लोटी माने लोटपोट हो जाना। मनुष्य सृष्टि के बाद दुर्गति और सद्गति दोनों होती है, है? मनुष्य सृष्टि के बाद की दुर्गति और सद्गति दोनों ही होती है, तो दुर्गति किस प्रकार की होती है बाबा? शूटिंग कैसे होती है? मन बुद्धि जाम हो जाए उसे कहते हैं दुर्गति, और मन बुद्धि सदगति में आ जाए, सच्ची गति में आ जाए। कैसी गति? बाबा की मुरली का ही मनन चिंतन मंथन चले, दुनिया की कोई भी बात याद नहीं आए, तो उसे क्या कहेंगे? सदगति। बाकी माने संगम युग शूटिंग में की तो बातें हैं। अगर मन बुद्धि जो है वो श्रीमत के अनुसार काम करने लगे, चलने लगे, मनन चिंतन मंथन करने लगे, तो सदगति है या दुर्गति है? सदगति। और ऐसे नहीं चलती है, जैसे माया चला रही है ऐसे चलने लग पड़ती है, तो क्या कहेंगे? दुर्गति।
बाबा जी, जिनको अभी से ये पता है कि साकार परमधाम बाबा के माउंट आबू पहुंचने पर हमको भी वहां जाना है और सुविधा में आना है, तो वो क्या अपना स्थूल घर ऐसा ही छोड़ देंगे? क्या करना, क्या छोड़ देंगे? स्थूल मकान ऐसा ही छोड़ देंगे कि बेच करके जाएंगे? बेचने का टाइम जब आदमी मरता है तो उसे बेचने का टाइम मिलता है। आदमी जब मरता है दुनिया में भी तो उसे जमीन जायदाद बेचने का टाइम मिलता है, जो मुट्ठी में लेके चला जाए मिलता है। ऐसे ही वहाँ साकार परमधाम में जब जाने का टाइम आएगा तो वो सेकंड मिलेगा है कि हम अपनी जमीन जायदाद इकट्ठी करें और बेच बाच के चले जाएं। जवाब नहीं दिया। और पहले गीता ज्ञान होता है, बाद में ये गीता ज्ञान के बाद भागवत होती है और बाद में फिर महाभारत होता है। हाँ जी। तो ये महाभारत जो है ये 2018 से लेकर बाद में 36 तक चलेगा क्या अंत तक? जो युद्ध है वो युद्ध का प्रैक्टिकल रूप तो बाद में देखने में आता है, लेकिन उससे पहले युद्ध की रूपरेखा देखने में आती है या नहीं आती है? अंदर अंदर उसे कहते हैं गृह युद्ध। क्या बाहर से मारा मारी देखने में नहीं आ रही है लेकिन अंदर अंदर, अंदर अंदर आग सुलग रही है। जैसा जैसा युद्ध भारत में भड़क रहा है ऐसा युद्ध दुनिया के किसी भी देश में नहीं भड़क रहा है। कोई के दिमाग में हो तो बताए। अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में या किसी भी देश में जैसा भारत के अंदर 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 युद्ध भड़क रहा है, अशांति चल रही है, ऐसी अशांति दुनिया के और किसी देश में भड़क रही है? हाँ? नहीं भड़क रही है। प्रूफ क्या है? अगर भड़क रही है तो कोई प्रूफ भी होना चाहिए कि नहीं? अरे प्रूफ है। यहां जितने धर्म पनप रहे हैं इतने धर्म दुनिया के किसी भी देश में नहीं पनप रहे हैं। और धर्मों को लेकर के जितना आपसी विद्वेष बढ़ रहा है उतना दुनिया के किसी भी देश में उतना विद्वेष नहीं बढ़ रहा है। जितना जातिवाद भारत देश में है और जितनी जातियां भारतवर्ष में पनप रही है इतनी जातियां किसी दूसरे देश में नहीं है। ना जातिवाद इतना भड़क रहा है, जितना राज्यवाद भारत में भड़क रहा है उतना राज्यवाद किसी भी देश में नहीं भड़क रहा है। ना आपस में वैमनस्य भड़क रहा है जातिवाद को राज्यवाद को लेकर के। जितना भाषाएं भारतवर्ष के अंदर हैं और भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा चल रहा है उतना झगड़ा दुनिया की किसी भी देश में नहीं है। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारतवर्ष के अंदर हैं
और पार्टियों को लेकर के आपस में विद्वेष है। इतना राजनीतिक पार्टियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इन सब बातों से क्या साबित होता है? क्या साबित होता है कि युद्ध की रूपरेखा बहुत तीखी तैयार हो रही है। और बॉडी का फल तो यू ने खाया, एडम ने नहीं। बॉडी का फल तो यू ने खाया ना, एडम ने नहीं। एडम ने नहीं खाया? ऐसे होता है कि विकार में एक जाए दूसरा न जाए? हैं? विकार में एक जाएगा तो दूसरा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। आगे पीछे का अंतर हो सकता है। बाबा लक्ष्मी को महारानी और जगदम्बा को राजमाता का पद मिलता है, लेकिन बाप को अंत तक साथ देने वाले काशी का क्या है? कौन सा पद मिलेगा? काशी युगल है या रुद्रमाला का दूसरा मणका है? क्या है वो? तो दूसरा मणका है, युगल तो नहीं है। मणके जो रुद्रमाला के हैं वो आपस में भाई भाई हैं या स्त्री पुरुष हैं? भाई भाई। और बाबा प्रयत्न मुझे इसका प्रारब्ध होते हैं है? क्या प्रयत्न मुझे के प्रारब्ध होते ये तो अंतर का है? ये प्रयत्न और प्रारब्ध भी अंतर क्या है? प्रारब्ध पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, पास्ट से कनेक्टेड है, और जो प्रयत्न कर रहे हैं वो हम अभी कर रहे हैं। क्या पूर्व जन्म में भी हमने जो कर्म किए हैं, प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न के आधार पर ही हमारी प्रारब्ध बनी है। अभी भी हम प्रयत्न करेंगे तो हमारी प्रारब्ध बनेगी, अगर तीव्र प्रयत्न करेंगे तो प्रारब्ध भी तीव्र गति से तैयार हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता है कि 63 जन्मों के जितने भी हमने पाप कर्म किए हों, पाप करने के प्रयत्न किए हों, उन सारे प्रयत्नों पर हम पानी फेर दें और इस जन्म में अच्छे कर्म करने की तीव्रता इतनी बढ़ा दें कि पूर्व जन्म के सारे पाप हमारे खत्म हो जाएं एक ही जन्म में, तो प्रयत्न बड़ा हुआ या प्रारब्ध बड़ी हुई? प्रयत्न बड़ा है। प्रयत्न कहो पुरुषार्थ कहो बात एक ही है। बाबा सरस्वती की तो अकाले मौत नहीं हुई, इसके बावजूद भी उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके छोटी माँ में प्रवेश क्यों होना? स्वर्ग में किसी को अकाले मौत नहीं मिलती है? सरस्वती को अकाले मौत नहीं हुई उनकी? कौन कहता है? कैंसर से गए ना बाबा। हाँ, सो कैंसर से गए सो क्या हुआ? कैंसर में मौत क्या पता लगता है कब हो जाएगी? डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता है। कहते हैं हमारे हॉस्पिटल से ले जाओ, पूछो कि कब मरेगा, पता नहीं, साल दो साल चार साल भी चल जाए। बाबा एक एक बीमारी को बताएंगे क्या? और अरे फॉलो करने वाले की वही गति होगी, जिसको फॉलो किया है उसकी गति होती है या दूसरी गति हो जाएगी? ब्रह्मा बाबा को सबसे जास्ती फॉलो किसने किया? मम्मा ने। तो मम्मा की गति भी वही होती है जो ब्रह्मा बाबा की होनी होती है। बाबा ब्रह्मा बाबा की तो पैदाइश मुख वंशावली थी ना, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई वो मुख वंशावली है?
ब्रह्मा बाबा की पैदाइश तो मुख वंशावली हुई ना, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई वो ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई बच्चों की, तो वो मुख वंशावली क्यों कहा गई? ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई मुख वंशावली हुई, तो ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई वो मुख वंशावली के द्वारा पैदा बच्चा बने ना, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो फिर पैदाइश बच्चों की वो कुख वंशावली क्यों कही गई? कुख वंशावली इसीलिए कही गई, सबको थोड़ी कहा गया, सबको कहा गया या कोई कोई को कुख वंशावली कहा गया है? कोई कोई को कहा गया, जो रुद्रमाला के मणके बन गए, जिनका क्लास ट्रांसफर हो गया, उनको कुकवंशावली कहा गया क्या? कहा गया? उनको तो नहीं कहा गया। उनको कहा गया जिनको ब्रह्मा बाबा की गोद ही याद आती है, ब्रह्मा बाबा की गोद में ही पालना लेने को बहुत बड़ी बात समझते हैं। जैसे गोद के बच्चे हो गए, मुख से जो वाणी सुनी है उस वाणी की कोई कदर ही नहीं, तो जब वाणी की मुख से सुनाई गई वाणी की कदर नहीं है तो मुखवंशावली हुए या कुखवंशावली हुए? है कुखवंशावली हुए। बाबा हमने अपने मुरली में बोला है आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेके ये सर्वव्यापी है। अरे एक आत्मा सर्वव्यापी एक टाइम पर हो जाती है कि हमेशा के लिए हो जाती है? वो एक आत्मा की बात है कि सभी आत्माओं की बात है? आत्मा सो परमात्मा एक की बात है, उन्होंने सारे सबके ऊपर लगा दिया भक्ति मार्ग में कि सभी आत्मा सो परमात्मा। बाबा ये संगम योगी लक्ष्मी नारायण है, ये संपूर्ण होंगे और प्रत्यक्ष होंगे तो इनमें शिव बाबा होंगे क्या? क्यों संपूर्ण में शिव बाबा आता है क्या? शिव बाबा पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आवेगा। जब तक जीना है तब तक पीना है, पियो ना, कौन मना करता है? मुख की सुनी हुई मुरली ज्यादा काम करती है या जो अंदर की टेलीपैथी है वो ज्यादा काम करेगी? यहाँ से संकल्प किया और वो संकल्प यहाँ पहुँच गया, वो मुरली नहीं होगी है? मोड़ेगी नहीं मन बुद्धि को। जैसे ये मुख से सुनाई हुई बात, मुख से सुनाई हुई मुरली मन बुद्धि को मोड़ देती है, ऐसे ही जब संपन्न आत्मा नारायण की बनेगी तो वो बोल बोल करेगी या मन के वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया को चेंज करना शुरू कर देगी? अव्यक्त वाणी में तो बोला है जो आवे सामने, जो सुने, जो देखे, क्या जो सामने आवे, जो कानों से उसे सुने और जो आंखों से उसे देखे, उसके मुंह से निकले मेरा बाप, मेरा बाप आ गया। तो कोई जरूरी नहीं कि मुख से बोलने की ही अंत तक जरूरत होगी, बोल बोल करने से अभी तक दुनिया में कुछ हुआ है क्या? असली चीज तो ग्यारहवीं इंद्रिय है, मुख के बोल, आंखों की दृष्टि, कानों से सुनना, हाथों से करना, पांव से भाग दौड़ करना, इससे ज्यादा सेवा होगी या मन की एकाग्रता से ज्यादा सेवा होगी? मनसा के वाइब्रेशन से दुनिया में सारी सेवा होगी। हाँ जी बाबा, बाबा आज अपना एक एकमसूत्र की वाणी चली तो फिर 18 जनवरी के बाद आकाशवाणी चलेगी, अव्यक्तवाणी है, अव्यक्तवाणी चलेगी या आकाशवाणी चलेगी? अव्यक्तवाणी अभी नहीं चलती है क्या? 18 जनवरी के बाद, 18 जनवरी के बाद है क्या अव्यक्तवाणी अभी नहीं चल रही है? चल रही है, लेकिन
70 की वाणी चल रही ना अभी आज आज हाँ 11 की चल रही तो हाँ 69 तक ब्रह्मा की वाणी चली ना बाबा ब्रह्मा के द्वारा 18 जनवरी तक उनका कहना है कि आप 18 जनवरी तक चलेगी उसके बाद फिर कौन सी वाणी चली 18 जनवरी तक की सारी वाणी चली गई या कोई कोई चली है कोई कोई नहीं चली तो जो नहीं चली है वो आएंगी कि नहीं माने जल्दी जल्दी पीछा छूटे फिर गिन रहे हैं तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा क्यों है बाबा 20 तो नीचे होता है ना मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा क्यों है 20 तो नीचे होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उल्टी खोपड़ी से पैदा होता है कि सीधा सीधा पैदा होता है माताओं से पूछो तुम्हें न पता हो तो ये सृष्टि भी रचयिता बाप की है या किसी और की है हा? ये सृष्टि किसकी रचना है रचना रचयिता की है रचयिता को बाप कहा जाता है रचना को बच्चा कहा जाता है तो जो बच्चा उल्टा पैदा होना चाहिए या सीधा पैदा होना चाहिए है वो कह रहे कोई सीधा हाँ उल्टा झाड़ इसलिए लगता है बच्चे पायवरी भी तो होते हैं पायवरी तो होते हैं बच्चे जिसको पायवरी बच्चे कहते हैं हाँ तो उनकी कोई खासियत होती है हाँ और शिवाजी में बोलते हैं पांचवे दिन में बच्चा पैदा होता है तो पांचवे दिन में ब्रह्मा रेशा डालने के लिए आता और छठवी अक्षर लिखने के लिए और एक मोटी किताब बनाओ के भक्ति मार्ग में क्या क्या कहते हैं बाबा मुरली में बोले कि जो एक बार ये ज्ञान सुन लेता है वो स्वर्ग में आते हैं तो ये एडवांस के लिए कहा बाबा बेसिक के लिए नहीं ना ये नहीं कहा है कि जो ज्ञान सुन लेते हैं वो स्वर्ग में आते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे सुन लिया तो स्वर्ग में आ जाएंगे पहली मुख्य बात ये बोली जो मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा अर्थात जो सन्मुख होकर के सुनते हैं वो स्वर्ग में जरूर आवेंगे जो बेसिक में होते हैं बाबा उनके लिए परीक्षा आती है और परीक्षा आती है तो उनका क्लास जो है ट्रांसफर हो जाता है तो बाद में बेसिक वालों को सबका ट्रांसफर हो जाता है नहीं नहीं नंबर कोई ऐसे नहीं है जिनका ट्रांसफर होता ही नहीं कभी जो जनरल इंचार्जेस बैठे हुए हैं उनका कोई का ट्रांसफर कोई कर पा रहा है हाँ पूछो जरा ऊपर से नहीं नहीं आने वाले जो भी आ गए हैं यहाँ पर उनके लिए परीक्षा है अभी कह रहे बेसिक वालों के लिए परीक्षा है अभी कह रहे जो यहाँ आ गए उनके लिए परीक्षा है एक बात बोलो भाई तो अरे अंत में रानी मक्खी निकलेगी तो झूम के झूम आवेंगे तो उनके लिए वही परीक्षा आएगी क्या कौन सी परीक्षा यही जब ट्रांसफर हो जाएंगे वहाँ से यहाँ आप भी तो ट्रांसफर होकर के यहाँ आए हैं आए हैं बाबा हाँ तो वो भी आएंगे ना विजय माला अंत सभी आवेंगे हाँ। जो विजय माला आएंगे वो पहले रुद्रमाला के बनेंगे कि नहीं बनेंगे पहले बनेंगे फिर बाद में विजय माला में ट्रांसफर होंगे है बाबा हाँ कन्या है तलवार हाँ तो तलवार पकड़ने वाली शक्ति कौन है आत्मा आत्मा पुरुष है कि स्त्री है जो पुरुष है वास्तव में जो पुरुष है आत्मा है वो उसको पकड़ के रखेंगे
बाएं हाथ से डाल पकड़ी जाती है, दाएं हाथ से पवित्र चीज पकड़ी जाती है। हाँ तो जब युद्ध करने का समय आएगा, हाँ सबकी बात, हाँ मैं बोल रही हूँ, अभी युद्ध करने का समय नहीं है, अभी माया से युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। जब माया से युद्ध घड़ी घड़ी चल रहा है तो ढाल को आगे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कि कन्याओं को आगे कर देना चाहिए? ढाल को आगे रखो, कन्याओं की सेफ्टी करो। पूछा है मुरली माया के जो आस्तदेव हैं वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे, तो फिर बाबा जो आठ देवियां हैं वो भी सजाएं नहीं खाएंगे क्या? और धर्म भी तो आठ हैं, मुख्य धर्म कितने हैं? आठ ही तो मुख्य धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। नंबर वार तो उन आठ धर्मों में चार मुख्य हैं या आठों मुख्य हैं? चार मुख्य धर्म है, बाकी चार तो सहयोगी है। ऐसे यहाँ जो अष्टदेव बताए हैं उनमें चार है रुद्रमाला से और चार है विजयमाला से, वो अष्टदेव है। क्या कहा? देव है तो देव अकेले होते हैं कि देवियों के साथ होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है या निवृत्ति मार्ग का धर्म है? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। अगर आठ को ही उस रूप में दिखा देंगे फिर तो वो देव हुए ही नहीं। तो चार चाहिए सूर्यवंशी और चार चाहिए विजयमाला से, दोनों मिला करके आठ देवता हुए। और बाबा वाली का मतलब है वाली, धन वाला, धन वाली है। आपको फोटो लेने के लिए किसने कहा? किसी ने कहा क्या? क्यों ले रहे हैं? है आप ब्रह्मा कुमार नहीं है क्या? है क्यों? मुरली में तो बोला है। क्या बोला है? तुम बच्चे ब्रह्मा का फोटो नहीं खींच सकते हो, तुम क्या कर रहे हो? हाँ अभी अभी कहा कि चार चंद्रवंशी से आएंगे हैं? चार चार अष्टदेव चंद्रवंशी से आएंगे हैं? चंद्रवंशी से आएंगे चार अष्टदेव। हाँ तो उसमें लक्ष्मी आती है ना? हाँ आती है। तो क्या हुआ? अरे किसका हो गया? नहीं ये किसमें बोला है? एडवांस लेगी तो आवेगी, एडवांस ज्ञान नहीं लेगी तो नहीं आवेगी। बाप को पहचानेगी तो आवेगी, बाप को नहीं पहचानेगी तो नहीं आवेगी। बाप के डायरेक्शन पर चलेगी तो आवेगी, नहीं पहचानेगी तो नहीं आवेगी। बाबा कहते तुम सब आत्मा स्वीकार हो तो उसमें पुरुष कोई नहीं है, तुम सब सीताएं हो। हाँ अभी हाँ। अभी वर्तमान में तुम सब सीताएं हो, ये वर्तमान का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ या पास्ट टेंस? वर्तमान में प्रेजेंट टेंस है। तुम सब सीताएं हो इसका मतलब क्या हुआ? सब सीताएं नहीं है? अरे तो शक हो गया, क्या समझे बैठे थे अपन को? ओहो शिव बाबा के मुकाबले तुम अपने को क्या समझे बैठे थे? हैं?
कितना देवान बढ़ गया। जब पूछ रहे हो तो कुछ अपने को समझे बैठे होगे ना, है नहीं समझे थे, ऐसे ही बोलने लगे पकड़ा गया। पूछा है किसी ने, बाप किसी से प्रभावित नहीं होंगे, फिर बाप को माया कैसे हिलावेगी? जो कहा है ब्रह्मा कुमारी, विष्णु कुमारी, अच्छा ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। तो जहां यहां जो बाप बोला है वो लिखने वाले को याद ही नहीं रहा कि कौन से बाप के बारे में बोला है, कौन से बाप के बारे में बोला है जिसको माया नहीं हिलाती। शिव बाप के बारे में बोला, बाप किसी से प्रभावित नहीं होते, बाकी जो भी आत्माएं सब प्रभावित होती हैं आगे पीछे या नहीं होती हैं, संकरण लगता है या नहीं लगता है, हैं? सबको संकरण लगता है। जो आत्माओं का बाप है उसको किसी के संकरण नहीं लगता है, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी अगर आत्म की स्थिति में है, बाप की याद में है, तो उसको भी किसी के संकरण उस समय नहीं लग सकता। हरिश्चंद्र ने दान देकर फिर वापस लिया तो चांडाल बना, तो वो कौन सा दान है जो दान देकर के वापस लिया फिर चांडाल बनना पड़ा? बताओ, हैं? गोदान। अरे कब की बात है, यज्ञ के आदि की बात है, राम फेल हुआ तो कुछ जो दे दिया था यज्ञ में कि सब कुछ यज्ञ का ही है, भगवान का ही है, ब्रह्मा का है तो भगवान का है, यज्ञ का है हमारे हिस्से का है तो भी भगवान बाप का है, फिर बाद में दोनों के मते अलग अलग हो गए तो चंडाल नहीं बनेगा। कोई कोई होते हैं जो कुछ भी सेवा करते हैं लेकिन चिड़चिड़ेपन से करते हैं, कोई तो फिर मजबूरी से करते हैं, कोई अपना नाम बाला करने के लिए करते हैं, तो क्या बाबा उनको सेवा का फल मिलेगा? हैं? जैसी सेवा वैसा ही फल, खुशी खुशी से करेंगे तो बाबा भी उनको खुशी खुशी फल देंगे, खुशी खुशी बरसा देंगे, और चिड़चिड़ेपन से करेंगे तो उनको जो फल मिलेगा वो भी चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला मिलेगा, मजबूरी से करेंगे तो वहां जो वर्षा मिलेगा वो भी मजबूरी से वर्षा ले लेंगे। जैसे कोई बाप की प्रॉपर्टी मिलती तो है, लेता तो है, मना भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर मजबूरी दिखाता है, क्या करें बाप की प्रॉपर्टी है, चलानी तो पड़ेगी। बाबा आए हैं सचखंड स्थापन करने, लेकिन जो मधुबन में रहते हैं खुद को ज्ञानी और विशेष आत्मा समझते हैं,
परंतु बहुत झूठ बोलते हैं, उनका क्या होगा? और सीधी सी बात है, जो झूठ बोलते हैं ज्ञानी होने के बावजूद भी, बाप का बच्चा बनने के बावजूद भी, वो बाप से कहां वर्षा पावेंगे? झूठ खंड में वर्षा पावेंगे या सच खंड में? उनको झूठ खंड में वर्षा मिलेगा। और जो सच बोलते हैं उनको कहां वर्षा मिलेगा? सच खंड में वर्षा मिलेगा। और सच खंड के 21 जन्मों के हिसाब से 63 जन्मों का भी उनका हिसाब किताब वर्षा प्राप्त करने का ही बनेगा। अप्राप्ति हो जाए ऐसा वर्षा नहीं। इसलिए बाप ने बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग में भी सुख होते हैं और नरक में भी सुख होते हैं, लेकिन सुखों की मिलने की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। अब जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। अब झूठ की दुनिया में सब झूठ है कि कोई सच्चा धारी भी है? सच्चाधारी है कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा भी कोई? और शिव बाबा में भी दो हैं। कितने हैं? दो आत्माएं हैं। उनमें एक पतित है कि पावन है? हैं? पतित है तो झूठा है या सच्चा है? झूठा है। बहुत गुजी आ गई, बड़ा मजा आया है? दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों का नाम हरि, नारायण, प्रजापति, राम, सियाराम, रामकृष्ण, शिव शंकर, ये नाम रख देते हैं, परंतु ब्रह्मा नाम आज तक किसी ने नहीं रखा। इसका क्या कारण है? रावण नाम किसी ने नहीं रखा। जवाब तो इन्होंने दे दिया। इसका मतलब रावण ब्रह्मा है। ये कैसेट तो जाएगी दीदी दादियों के पास, और फोटो भी आ गया होगा। हाँ, आप बचो संभल गए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में कोई न कोई गुण न हो, कोई न गुण न हो, कोई कोई गुण हो या न हो, एक गुण तो जरूर है बाप की पहचान का। तो पहचान के आधार पर नंबर बनते हैं। तो बाबा और किस तरह की पहचान होती है? अरे मान लो किसी का पापा है और उसमें शिव बाबा आ गया, किसी का मामा है, किसी का दादा है, किसी का क्या है, किसी का क्या संबंधी है, किसी का टीचर है, तो वो उस रूप में देखेंगे या भगवान के रूप में जास्ती देख लेंगे? देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। ये सब पहचान है अलग अलग तरह की, लेकिन तुम बच्चों के लिए खास बताया कि और कोई पहचान हो या न हो, लेकिन क्या विशेषता है?
बाप की पहचान जरूर है नंबर वन। बाबा तोते को ज्ञान की कंठी दिखाते हैं, तोता बाहर जाकर ज्ञान सुनाता है, फिर भी तोते को पिंजड़े में क्यों रखते हैं? इसका बेहद का अर्थ क्या है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सब क्या हैं? हैं? सात तोते हैं। सबको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, लेकिन सब पिंजरे के अंदर महसूस करते हैं या पिंजरे से बाहर भी हैं? हैं? सब पिंजरे के अंदर बंधन में महसूस करते हैं या बाहर भी हैं? हैं? बाहर भी हैं, तो पिंजरे के अंदर रहने वाले भी तोते हैं। जो बंधन समझते हैं ब्राह्मण जीवन को, वो पिंजरे के अंदर। हाँ जी, कर्म के पास कवच कौन सा होता है जो दान कर दे उतार देता है बाहर? कर्म के पास कवच जो होता है ना, कौन सा कवच है जो उतार देता है? कर्ण है कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा यज्ञ के आदि में उनकी बुद्धि में ये बात बैठी कि नहीं कि हमको सच्चाई कहाँ से मिली? हैं? थोड़े समय के लिए तो बैठी ना, फिर मायावी पुरुष और मायावी लोग उनके संसर्ग संपर्क में आ गए, उन सब ने उनकी बुद्धि क्या किया? घुमा दिया। और वो ये बात भूल गए कि यही हमारा गुरु है, भगवान की पहचान देने वाला है। तो याद उड़ गई या याद रह गई? उड़ गई। याद का कवच है, पहले उनको था, फिर बाद में वो कवच दान में दे दिया। दान में दिया तो उनको पता नहीं था ना? हाँ, दान में दिया। नहीं, बता दिया था पहले से, जानता भी था ये लेने आया है। दानी ये थोड़ी देखते हैं कि हमको पता चल गया है अनिष्ट होने वाला है तो न दें, फिर वो महादानी गाएगा। राजा बलि को मालूम पड़ गया था कि नहीं? उनको भी मालूम पड़ गया था, फिर भी उन्होंने दिए। और दादा लेखा ब्रह्मा वाली आत्मा तो अभी है नहीं है? दादा लेखा ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं क्या अभी? शरीर ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं है? शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है। वो जब संपन्न बनेगी तो प्रत्यक्ष कैसे होगी? प्रत्यक्ष कैसे होगी? जगदम्बा के द्वारा प्रत्यक्ष होगी। तो प्रत्यक्ष हुई ना? नहीं, अभी अभी भी क्या जगदम्बा में प्रवेश नहीं करती है? तो करती है, जगदम्बा है तो जगदम्बा का अभी काला रूप है या गोरा रूप है? काला रूप है। तो महाकाली को चंद्रमा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है, मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं।
सु माने क्या और दामा माने क्या है? सु माने क्या? सुंदर। और दामा माने है? अरे रुपया पैसा जेब में होते हैं ना, तुम्हारे जेब में कुछ दाम टका है? दाम माने धन संपत्ति। यहाँ कौन सी धन संपत्ति है? ज्ञान की धन संपत्ति। तो सुंदर सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति किसके पास है? हैं? शिव बाबा तो भगवान है ही, वो सुदामा थोड़े ही है। शिव बाबा भगवान है या सुदामा है? हैं? वो तो भगवान है, सुदामा कौन हुआ? हाँ, जिसके पास सुंदर सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति है वो ही सुदामा है। गरीब होता है कि साहूकार होता है? गरीब होता है। बाबा ये कामधेनु गाय है उसमें 33 कोटि देवता है, किसकी याद करें बाबा की? 33 कोटि देवता है दिखाते हैं। 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं, सारे जगत की अम्बा कौन है? तो सारे जगत में देवताएं निकाल दोगे बाहर? तो वो विविध धर्मों के भी रहते ना बाबा देवता? वो तो भिन्न भिन्न धर्मों के भी देवताए होंगे ना? भिन्न भिन्न धर्मों में देवताएं होते हैं क्या? 33 कोटि देवताएं बोलते हैं ना? आप 33 करोड़ देवताएं होते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में कहाँ होते हैं? देवताएं तो होते ही सत्युत्रेता में भिन्न भिन्न धर्मों के होते हैं क्या? वो सब देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं जो कलयुग के अंत तक उतरती रहती है। कौन से धर्म की हैं? जिनका एक परिवार इकट्ठा होकर के रहता है, मिलकर के मुखिया का डायरेक्शन चलता है, वो सब देव आत्माएं हैं, एक कीमत पर चलते हैं। अंतिम जीवन में है तो भी एक कीमत पर चलते हैं। तो कामधेनु गैया के पेट में दिखाए जाते हैं 33 करोड़ देवता। और बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे जीते जी स्वर्ग का अनुभव करेंगे, अगर कोई आत्मा अचानक शरीर छोड़ दी तो वो कैसे स्वर्ग का अनुभव करेगी बाबा? फिर से वो जन्म लेगी? अरे जो एडवांस में आने वाला होगा उसकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि हम शरीर रहते ही स्वर्ग में जाएंगे कि शरीर छोड़ के जाएंगे? शरीर रहते ही हमें स्वर्ग में जाना है और शरीर छोड़ दिया, और बुद्धि में क्या बैठा है? शरीर से हमें स्वर्ग में जाना है। तो जन्म लेगा या नहीं लेगा? जरूर लेगा, जन्म लेगा, फिर दोबारा पुरुषार्थ करेगा और फिर स्वर्ग में जाएगा। बाबा गंगा जो है वो तो शंकर की जटा में है, इसके बावजूद भी वो मैली कैसे हो जाती है? जो कहते हैं कि गंगा मैली, अरे जटा में ही बैठी रहती है तब मैली होती है कि नीचे आती है तब मैली होती है? है? नीचे आएगी तो मैली होगी। संसर्ग संपर्क में है तो नदी है, और संसर्ग संपर्क टूट गया नाला। तो नाला है। अकेली गंगा की भी बात नहीं, सभी नदियों का ऐसा ही है। सागर से कनेक्शन है तो नदी है, सागर से कनेक्शन टूटा हुआ है तो नाला है। Thank you.